नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई हुई रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आई हुई है, जजियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आई हुई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने की कितनी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है और क्या इसकी लास्ट डेट है, कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितनी इसकी सैलरी होगी आपको ज्वाइन करने के बाद, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो भी आज हमको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी समझ पाए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और कलीग्स को भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके और वो भी इस फॉर्म को भर सकें और वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट DEO की रिक्वायरमेंट जारी कर दिया है, जिसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, जजियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 है। ओके, जनरल कैंडिडेट्स मेल फीमेल दोनों के लिए 300 है। साथ ही SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए 150 है। ठीक है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 150 है। मोड ऑफ फी पेमेंट जो होगा, आपका डेबिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बात करें स्टार्टिंग डेट्स की, तो इसकी 16 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर तक आपको इसका फ़ी भी पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, सारा काम 6 अक्टूबर तक फिनिश कर देना है, तो एक मंथ का टाइम है, काफ़ी सही टाइम है। एडमिट कार्ड जो है इसका आपका सितंबर में रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सितंबर में आपको इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो वो हम आप तक वीडियो के थ्रू आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नोटिस मिल जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड आ गया, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते ही। एग्ज़ाम डेट जो है इसका 22 सितंबर 2019 को इसका एग्ज़ाम डेट भी होगा। ठीक है फ्रेंड, एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर को इसका आपका दिल्ली के अंदर ही होगा। ठीक है, बात करें जॉब लोकेशन की, तो इसमें जॉब लोकेशन जो है इसका दिल्ली होगा आपका। ठीक है, वर्किंग जो होगा आपका दिल्ली के अंदर होगा। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपर एज लिमिट का, जो कि एज़ पर रूल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आपको इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा और जब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन गुरु की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको एज रिलैक्सेशन भी बता देंगे कितना कितना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 771 पोस्ट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं पर्सनल असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कहीं से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, अपने हर फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो फ्रेंड्स वैकेंसी डिटेल्स जो होगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसमें देखिए, इसमें तीन चार तरह की वैकेंसीज हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स, पर्सनल असिस्टेंट्स का एक रिक्वायरमेंट है, एक जजियल जूनियर जजियल असिस्टेंट्स का है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का है, इसमें अंदर आपका 41 पोस्ट है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंस की जो है 5 to 7, यानी कि 527 सीटें जो हैं पर्सनल असिस्टेंस की है, जो कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में है। दूसरा जो पर्सनल असिस्टेंट का है उसमें आपकी 28 सीटें हैं। अगली जो वैकेंसी आपकी जूनियर जजियल असिस्टेंट्स की, इसमें आपकी 161 पोस्ट हैं। ठीक है, 161 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो होगा 12 सीटें हैं, और एक और वैकेंसी है डाटा एंट्री का, वो आपका फैमिली कोर्ट के अंदर है, उसमें आपकी कितनी है 2 सीटें हैं। पे स्केल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज़ पर रोल आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे क्या पे रखा हुआ है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसमें मांगी हुई है बैचलर डिग्री, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के नीचे, जहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अप्लाई नाउ का लिंक है, वहाँ से आप अप्लाई करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका अभी चालू नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, जब चालू होगा तो हम लिंक को ओपन कर देंगे और आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, साइट आपकी खुल जाएगी
और आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, 6 अक्टूबर लास्ट डेट रखी हुई है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, जो भी ये नोटिस आई है आपका भी शॉर्ट नोटिस के आधार पर ही हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही आपको हम सूचित कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो मोड ऑफ सिलेक्शन रखा हुआ है, इसके अंदर प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका रिटर्न का होगा, दूसरा आपका वावा वॉइस होगा। ठीक है, वीवा का आपका होगा। ठीक है, तो तीन तरह के मोड एग्जाम्स है, पहला प्रीमली एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, और दूसरा आपका तीसरा जो है वो क्या है, वाइवा का होगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पर्सनल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और जुडिशियल असिस्टेंट का। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं इसका शॉर्ट नोटिस जो कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी किया है वो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैंने शॉर्ट नोटिस ओपन कर रखा है, जिसके अंदर वैकेंसी की नोटिस है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं ये अभी डिस्प्ले किया है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। ठीक है, एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या होगी वो भी शो नहीं किया गया है, तो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन गुरु के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी वैकेंसी की नोटिस देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए A1 पोस्ट जो है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स की हैं। ठीक है, इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर्स दिल्ली, इसके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। बात करें इसके अंदर पे लेवल, तो इसका लेवल इन पे जो है 7 CP के अकॉर्डिंग होगा, तो इसका 8 लेवल का आपका पे होगा। जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 41 है, अर्बन अनरिजर्व EWS और SC ST OBC टोटल मिला करके 41 सीटें हैं, और इनमें से PWD के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगली वैकेंसी, तो वो है आपकी A2 की, जिसके अंदर पर्सनल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर अनरिजर्व के लिए 214 सीटें हैं, EWS की 53 सीटें हैं, SC की 79 सीटें और ST की 39 और OBC की 142, टोटल मिला करके 527 सीटें हैं, और इसके अंदर PWD की जो है वो 21 सीटें होंगी। तो उसी तरह अगली वैकेंसी भी पर्सनल असिस्टेंस की हैं, तो इसमें जो होगा आपका टोटल वैकेंसीज कितनी है, 28 हैं, और आपकी एक जो होगी PWD कैंडिडेट्स के लिए होंगी। बात करें जूनियर जजियल असिस्टेंस की, तो इसके अंदर आपका जो पे लेवल होगा वो 5th पे लेवल कमीशन के अकॉर्डिंग होगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 161 है, और 26 जो होगी आपकी PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, और अनरिजर्व के लिए 14 और OBC के लिए, इस तरीके से आपका डिवाइड किया। ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। इसमें जो चौथी पोस्ट जो है वो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथी पोस्ट कौन सी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसका कोड क्या है A4। इसका जो होगा आपका 4th लेवल पेमेंट का आप कमीशन होगा, जिसके अंदर आपकी देखिए एक पोस्ट आपकी 12 सीटें हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगा, दूसरा जो आपका 2 सीटें हैं वो ये आपकी फैमिली कोर्ट में है। ठीक है, तो ये तो होगी वैकेंसीज की बात। अब इसमें देखिए एक टेबल बनाई हुई है, जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए ये बनाया हुआ है कि उनके लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल सीटें जो होगी वो 3 हैं PWD में, और पर्सनल असिस्टेंट की 21 सीटें हो गई, जूनियर जजियल असिस्टेंट की 26 सीटें हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 सीटें हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका लेवल भी बताया हुआ है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनका क्या लेवल होना चाहिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, जैसे कि फॉर OL एंड BL ओनली, फॉर OL BL ओनली इसमें लिखा हुआ है, फॉर LB के लिए है सिर्फ लो विज़न के लिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए dillidistrictcourt.nic.in पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो अभी इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जब भी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आप वो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ करके, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, अभी अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाकर के आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये देखिए इसमें बताया हुआ है 16 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, बट अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जब आएगा तो आपको करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 अक्टूबर है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर के बाद आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको सूचित कर देंगे जल्दी जैसे कुछ आता है। एज में रिलेक्शन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था 5 ईयर इन SC ST के लिए दिया हुआ है, 3 ईयर्स का जो है OBC के लिए, और 10 ईयर्स क्या है PWD के कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, और एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए तो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, और बेसिकली इसके अंदर मेरे ख्याल से जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है फ्रेंड्स, वो अभी करेक्ट कन्फर्म नहीं है कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, लेकिन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया गया है पूरा पढ़ने के बाद, इसमें मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन मांगा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ओनली ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा आएगा आपको सूचित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अभी ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आए या कोई ऐसा इन्फॉर्म आए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो आपको हम सूचित कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय।